अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ नताशा वकास। तो मैंने अभी बालों में तेल लगाया हुआ है और मैं करने लगी हूँ शैम्पू। और शैम्पू है जिसका आप सब लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, बायोटिन शैम्पू। जैसे बायोटिन सप्लीमेंट्स होती हैं, बायोटिन की सीरप्स भी होते हैं, ऐसे बायोटिन शैम्पू होते हैं बालों में लगाने के लिए। और ये शैम्पू, इसको क्या है, इसको अवार्ड मिल चुका है कि बायोटिन शैम्पू जो है वो सबसे बेस्ट होते हैं सब शैम्पूज़ में। तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट की थी मेरे एक सब्सक्राइबर ने कि उसने खरीदा है और उसको इसका यूज़ करना नहीं आ रहा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, SLS फ्री है, झाग वगैरह नहीं बनाता। पैकिंग आप देखें कितनी अच्छी है। चिंतन प्योर का शैम्पू है बायोटिन, और इसके ऊपर ना इसके सारे बेनिफिट्स लिखे हैं कि इसके ये बेनिफिट है। तो मेरे बालों में लगा हुआ है तेल, ठीक है। तो मैं पहले बालों को वॉश करूंगी पानी से अच्छे से, उसके बाद ये शैम्पू लूंगी हाथों में, झाग बनाऊंगी इसके और फिर इसको बालों में लगाएंगे, ठीक है। तो चलो टाइम है इसके बगैर, पहले वॉश बेसन में जाकर बाल धोती हूँ, फिर आपको रिजल्ट दिखाती हूँ इसके, फिर इसकी प्राइस बताऊंगी, ये बताऊंगी आपको कहाँ से मिलेगा और आप लोग इसको बाय कर सकते हो या नहीं बाय कर सकते, रिजल्ट भी दिखाऊंगी आपको, ठीक है। अभी आप देख लें बाल कैसे चिपके हुए, क्योंकि तेल लगा हुआ है बालों में। जुम्मा भी है आज तो नमाज भी पढ़नी है। चिल्तन प्योर के बायोटिन शैम्पू को मैंने अच्छे से शेक किया है, थोड़ा सा एक पंप इसका हाथ पे लिया। आप देखिए इसकी पैकिंग कितनी अच्छी है, इसका पंप भी कितना अच्छा। उसके बाद थोड़ा सा पानी लिया है मैंने और मैंने इसके बबल्स बनाए, ठीक है। जितने भी केमिकल फ्री शैम्पू है उनको यूज करने का सबसे बेस्ट वे यही है, कभी भी डायरेक्ट बालों पर शैम्पू लगाना नहीं चाहिए। शैम्पू को पहले डायल्यूट करना चाहिए और उसके बाद उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये चीज मैं पहले भी आपको काफी वीडियोस में बता चुकी हूँ, ठीक है। और शैम्पू का मकसद ये नहीं कि आपने बस लगाया और सर धो लिया, शैम्पू से अच्छे से मसाज करना चाहिए अपने स्काल्प का बैकवर्ड और फॉरवर्ड मोशन में, जैसे मैं कर रही हूँ, आपको नजर आ रहा है। पूरे 5 मिनट जो है वो शैम्पू से अच्छे से मसाज किया है मैंने, और आपने देखा होगा शैम्पू ने इतने झाग नहीं बनाए जैसे केमिकल वाले शैम्पू बनाते हैं। उसके बाद मैंने बालों को वॉश किया, आप देखें बालों में शाइन आपको नजर आ रही होगी, कितनी शाइन आई है बालों में। एक एक बाल जो है मेरा अलहदा अलहदा हो गया है, बाल इतना सॉफ्ट जाता है ना केमिकल फ्री शैम्पू जब आप यूज करते हो, इतना सॉफ्ट जैसे बेबी के हेयर होते हैं ना वैसे आपका बाल हो जाता है। और ये वाले शैम्पू जो है वो बेस्ट होते हैं, आपका स्काल्प डैमेज नहीं करते, आपके बालों को डैमेज नहीं करते, आपके बालों को ड्राई नहीं करते। तो देखिए बाल शैम्पू हो गए, मैंने अभी टॉवल ड्राई करने के लिए छोड़ दिए हैं बाल, मैंने कोई कंडीशनर नहीं लगाया ताकि रिजल्ट्स देख सके हम बायोटिन शैम्पू का। वैसे बायोटिन शैम्पू जो है वो बालों को शाइन भी देता है, हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करता है, इसके अलावा अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो उसको भी खत्म कर देता है। और आप जैसे ही बाल ड्राई होते हैं, मैं टॉवल ड्राई कर रही हूँ बालों को, और जैसे बाल ड्राई होते हैं मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ इसके, ठीक है। कोई ब्लो ड्राई नहीं करेंगे हम, लाइटें बंद कर रही हूँ एक्स्ट्रा, और अभी फेस वगैरह धोकर आई हूँ, बस कपड़े शपड़े चेंज करती हूँ। अच्छा, मैं बताऊंगी आपको सीरम्स ऑयल जो है वो हेयर सेल्स पे वर्क कैसे करते हैं, हमारे हेयर के फेजेस कितने होते हैं, ठीक है, मर्दों में और औरतों में। आपको पता है हेयर फॉल का पैटर्न डिफरेंट होता है, मर्दों के हमेशा फ्रंट से और दरमियान से बाल जाते हैं, औरतों के जाते हैं मांग के पास से। हमारे जो है वो 3 फेजेस है, एनाजेन है हमारा फेस जिसमें क्या होता है नए बाल निकलते रहते हैं, और उसके बाद क्या होता है हमारा दूसरा फेस आता है, उसमें क्या होता है हमारे बाल जो है वो जड़ों से निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं पहुंचती, जड़ सुकड़ना शुरू हो जाती है और बाल निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम मेडिसिन यूज करते हैं या दवाइयां या तेल लगाते हैं या सीरम लगाते हैं तो उससे क्या होता है हमारी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है, कैपिलरी में ब्लड अच्छे से पहुंचता है, जड़ मजबूत होती है और दोबारा से जो है वो बाल निकलना शुरू हो जाते हैं मोटे और अच्छे। बाल हल्के से जो है वो ड्राई हो गए, थोड़े से गीले हैं अभी भी ना, लेकिन रिजल्ट देखें आप, ये देखें बाल कितना ब्लैक शाइनी लग रहा है और बाल टूटा नहीं है शैम्पू से बिल्कुल भी, क्योंकि बायोटिन शैम्पू को यूज करने का पर्पज यही होता है कि हेयर फॉल रोक देता है बायोटिन, आपके आपकी जो रूट्स हैं उसको मजबूत करता है, हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करता है, जैसे कि आपने सैंपल वीडियो में भी देखा था। और ऐसा नहीं होता कि आप शैम्पू करना स्टार्ट करो और आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, जो बाल जड़ से निकल गया वो तो बाल निकलेगा ही निकलेगा स्किन से, लेकिन जो नया बाल आएगा आपका वो अच्छा होता है। और थोड़ा बहुत हेयर फॉल जो है वो सबको होता है, लाइक जैसे 10-20 बाल जो है वो रेगुलर गिरना या 5-10 बार रेगुलर गिरना जो है वो एक नॉर्मल चीज है, वो गिरते हैं बाल क्योंकि नीचे से नया बाल निकल रहा होता है। लेकिन अगर आपको बहुत शदीद हेयर फॉल हो रहा है, सर पे जो है वो पैचेज हो रहे हैं बाल, तो आप जो है अपनी शैम्पू चेंज कर रहे हो, लेकिन साथ साथ आपको इंटरनल केयर भी करना जरूरी है कि आप डाइट अच्छी लो जिससे आपके बालों को जो है अच्छे से डाइट मिले। क्योंकि जितना अच्छा मतलब जो शैम्पू है या कंडीशनर है या हेयर मास्क है, ये चीजें सिर्फ 30% वर्क करती है, बाकी 70% जो चीज वर्क करती है वो आपकी डाइट है कि आप डाइट कैसे ले रहे हो। तस्वीर ने बाल शैम्पू किए हैं, तस्वीर के साथ अच्छा, बाल काफी सॉफ्ट हो गए हैं ना आपके भी, मेरे भी, ये देखो मेरे लंबे कितने हो गए बाल है ना, मेरे कितने छोटे छोटे कटवाए थे और कितने लंबे हो गए मेरे बाल। और एज यूजुअल वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो लाइट चली गई, पाकिस्तान जिंदाबाद।
तो ये वाला शैम्पू है, इस शैम्पू का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शैम्पू मैंने टेस्ट कर लिया है, रिकमेंडेड है, हेयर फॉल रोक देता है, बालों को मजबूत घना करता है और शाइनी करता है बालों को। और बल्कि अगर आपका बाल पहले स्ट्रेट था और अब बाल जो है अपनी स्ट्रेंथ खो के वेवी हो गया, तो आपका बाल वापस से स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो शैम्पू है ना, ये बिल्कुल सेफ है, इसको लड़के लड़की बच्चे हर बंदा यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये आपकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हो कि आप छोटी बच्ची को यूज़ करवा सकते हैं, एक साल के बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं, सबको यूज़ करवा सकते हैं, क्योंकि ये SLS फ्री और केमिकल फ्री शैम्पू है, बालों को सॉफ्ट भी बहुत कर देता है ये आपके। ठीक है भाई, सो दिस इज़ माई हेयर आफ्टर 2-3 आवर्स, कोई चिपचिपीनेस नहीं है। हालांकि शैम्पू जो था वो SLS फ्री था, केमिकल नहीं थे, और झाग इतने नहीं बनते, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इशू आता है ना लोगों को, वो यही आता है कि यार झाग नहीं बना रहा आप ही शैम्पू, झाग नहीं बना रहा। केमिकल फ्री शैम्पू कभी भी झाग नहीं बनाता, और ऐसा शैम्पू आपके बालों के लिए अच्छा ही नहीं होता जो बहुत ज़्यादा झाग बनाता है। वो आपका स्काल्प ड्राई कर देता है, स्काल्प ड्राई होता है, उससे क्या होता है फॉलिकल्स को जो है वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, और फॉलिकल डैमेज होकर बालों से निकलना शुरू हो जाता है और हेयर फॉल होता है इसकी वजह से। वो शैम्पू जो केमिकल फ्री होते हैं, SLS फ्री होते हैं, वो शैम्पू लॉन्ग टर्म में हमारे बालों को फायदा देते हैं। देखो, मुझे इतने सारे बेबी हेयर निकले थे और वो सारे लंबे होके मेरे बालों में शामिल हो गए। पहले मैं बाल बनाती थी, यहाँ से मेरे ऐसे बेबी हेयर खड़े होते थे, लेकिन अब आपको खुद भी देखने में भी नजर आता होगा कि वाकई नताशा आपी का बाल जो है वो वॉल्यूमाइज भी हो रहा है काफी ज्यादा, और बाल जो है वो अच्छा भी हो रहा है, लंबा भी हो रहा है। आपको याद है ना, मैंने इतने इतने बाल कटवाए थे, तो केयर करो तो सब कुछ सही जाता है, अगर केयर नहीं करोगे तो फिर कैसे सही होगी चीज़। हर चीज़ जो है वो टाइम मांगती है, तवज्जा मांगती है, पौधा भी टाइम तवज्जा मांगता है तो बड़ा होता है, बच्चे भी टाइम तवज्जा मांगते हैं, इसे हमारे बाल भी हमारे बच्चे ही हैं, इनको भी टाइम तवज्जा केयर चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, मसाज मालिश और अंदर डाइट भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैटर करके अच्छा बाल ग्रो करती हैं। तो शैम्पू बहुत अच्छा है, जिसने भी लिया था और मुझे रिकमेंड किया था, थैंक यू सो मच। बायोटिन शैम्पू वैसे भी अच्छे होते हैं, लेकिन वो वाले बायोटिन शैम्पू जिसमें केमिकल भी होता है वो हमारे बालों को ड्राई कर देता है, क्योंकि ये वाला बायोटिन शैम्पू इसमें केमिकल नहीं था, तो ये बहुत अच्छा था बालों के लिए। बायोटिन जो है वो ऐसे वर्क करता है। तो मैंने देखा अंधेरे में लैशेज लगाई है, अंधेरे में लिपस्टिक लगाई है, वीडियो में प्रेजेंटेबल लगने के लिए। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ऐसा है तो लाइक शेयर जरूर करना। शैम्पू का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां जाके बगैर डरे झिझके बाय कर सकते हो। मेरा कोड भी है इस पर 10 Natasha, अगर वो ना लगे तो आप C10 लगा के भी डिस्काउंट ले सकते हो, क्योंकि जो कोड होता है ना वो सिंगल प्रोडक्ट पे भी वर्क करता है, लेकिन सेल में जो है वो कोड नहीं लगता, अगर सेल लगी हुई है तो फिर कोड नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप जब वीडियो के टाइटल पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहां से जाके प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी और रिजल्ट्स बताना। हाँ, और ये ना मैंने कंडीशनर नहीं किया बालों को, सिर्फ मैंने शैम्पू किया है, कंडीशनर मैंने नहीं किया बालों को, और बाल जो है वो अच्छा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका रिजल्ट, एकदम से बाल वॉल्यूमाइज, सही डार्क ब्लैक और सही सिल्की शाइन हुआ हुआ है बाल। हालांकि मैंने कंघा भी नहीं किया, बस ऐसे मैंने उंगलियों से सुलझाया बाल के, आपको रिजल्ट दिखाऊं। अभी आधा बाल जो है वो इस तरफ है, तो केयर करो, केयर करने से फ़र्क पड़ता है। जैसे मेरे ऑपरेशन हुआ था, मुझे सिस्ट का इशू था, मुझे हेयर फॉल हुआ था, तो मैंने सप्लीमेंट्स भी लिए हैं साथ, और बालों की केयर भी करना स्टार्ट की है। तो मैंने जैसे आपको बताया, शैम्पू कंडीशनर ये सब चीज़ें भी वर्क करती हैं, लेकिन आपको डाइट भी अच्छी रखनी पड़ेगी, आपको डॉक्टर को दिखा के, अगर आपको ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल हो रहा है जैसे मुझे हो रहा था कि मेरा इतना इतना बाल एक टाइम पर उतर रहा था, तो आपको डॉक्टर को दिखा के दवाइयाँ लेनी पड़ेगी इसकी, और मतलब प्रॉपर एक डाइट आपको फॉलो करनी पड़ेगी ताकि आपका हेयर फॉल बंद हो जाए। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, ये मेरा शैम्पू का रिव्यू था। शैम्पू रिकमेंडेड है, टेस्टेड है, रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। शैम्पू SLS फ्री है, केमिकल फ्री शैम्पू है, बालों को डैमेज नहीं करता बल्कि फायदा देता है बालों को। बायोटिन जो शैम्पू है वो अवार्ड याफ्ता शैम्पू है, वर्ल्ड वाइड जो शैम्पू का टेस्ट हुए थे उसमें नंबर 1 पे बायोटिन शैम्पू आया था, कि बालों के लिए सबसे बेस्ट होता है बायोटिन शैम्पू। तो बगैर डर झिझके आप लोग जाके बाय कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, आप तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।